तनुश्री नाना के कंट्रोवर्सी में नाना पाटेकर ने कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बॉलीवुड के सीनियर एक्टर नाना पाटेकर पर शूटिंग के दौरान बदतमीजी और छेड़छाड़ का आरोप लगाने के बाद से पूरे मामले पर बॉलीवुड समेत देश भर में चर्चा है। तनुश्री ने 10 साल पुराने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि नाना पाटेकर जबरन करीब आना चाहते थे, वे शूटिंग के दौरान गाने का हिस्सा नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों पर नाना ने पहली बार रिएक्शन दिया है। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है, उनका सेक्सुअल हरासमेंट से क्या मतलब है, वहां पर 50 से 100 लोग सेट पर मेरे साथ थे, मैं देखता हूं कि कानूनी रूप से मैं क्या कर सकता हूं। नाना ने यह बात किसी मराठी चैनल से कही है। तनुश्री ने नाना पाटेकर पर जो आरोप लगाए हैं उस पर सलमान खान ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है, मुझे जानने और समझने दो कि हुआ क्या है, हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, इस समय मुझे वाकई कुछ नहीं पता, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तनुश्री ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी की इमेज पर नहीं जाना चाहिए। कोई बाहर अच्छा एक्टर हो सकता है लेकिन पर्सनली कैरेक्टर उसका कैसा है ये जज नहीं किया जा सकता। गुरमीत राम रहीम और तमाम बाबाओं की पूजा होती थी, वो भगवान माने जाते थे, लेकिन देखिए बाद में असलियत क्या सामने आई। तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर संगीन आरोप लगाने के बाद कोरियोग्राफर गणेश आचार्य नाना के बचाव में आ गए हैं। वो उस फिल्म का हिस्सा थे जिसका जिक्र तनु ने किया है। अब एक्ट्रेस ने आचार्य के बयान पर कहा है कि वो झूठे और दोगले हैं, आचार्य को मेरी ही बदौलत फिल्म में काम मिला था। ये भी बता दें कि आचार्य ने तनुश्री की इस बात का खंडन किया है कि ये सोलो सॉन्ग था और नाना इसमें जबरदस्ती आना चाहते थे। आचार्य ने कहा है कि ये शुरू से ही डुअल सॉन्ग था, नाना इसका हिस्सा थे। उन्होंने कहा तनुश्री गलत बोल रही है कि उनके कारण उन्हें फिल्म में काम मिला। उन्होंने कहा नाना स्वीट पर्सन है और ऐसा नहीं कर सकते। तनुश्री ने आचार्य के बयान पर कहा है कि वो झूठे और दो मुंह बातें करने वाले इंसान है, मेरी बदौलत उन्हें काम मिला था, उन्होंने मुझे बाहर निकालने का तय कर लिया था, इसलिए जाहिर है कि वो नाना को सपोर्ट करेंगे और वो अब भी इसमें बराबरी से शामिल हैं।